सड़क से गुजर रही एस्बेस्टस लदी हुई पिकअप वैन से निकला इतना शराब कि देखने वाले भी हैरान रह गए। पिकअप में ऊपर से नीचे तक एस्बेस्टस लदे होने के कारण गाड़ी के ढाले में जगह भी नहीं थी, लेकिन जब माजरा खुला तो सभी हक्के बक्के रह गए। दरअसल पिकअप वैन में सैकड़ों एस्बेस्टस को लोड कर उसके बिचले हिस्से को काट कर तहखाना बना दिया गया था। एक बार की शराब तस्करों की यह नया तरकीब लोगों को समझ में ही नहीं आ रही थी कि आखिर यह हुआ कैसे, इसमें शराब कहाँ है। लेकिन जब पिकअप के ऊपर से एस्बेस्टस को हटाया गया तो सामने शराब ही शराब थी। मामला बिहार के मधेपुरा जिला का है, जहां छापेमारी के दौरान मधेपुरा पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस को पटना से ही इस बात की खबर मिल गई थी कि NH-107 के रास्ते काफी मात्रा में शराब की तस्करी होने वाली है, जिसको लेकर पुलिस वाले पहले से ही तत्पर थे। मौका देखते ही पुलिस वालों ने गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी। इसी क्रम में एस्बेस्टस लदे पिकअप को भी रोका गया, जिसकी तलाशी ली गई। जहां पहले तो पुलिस वालों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब पिकअप पर लदे एस्बेस्टस को हटाया गया तो सभी भौचक्के रह गए। जो दृश्य सामने था उसे देखते ही तुरंत पुलिस वालों ने गाड़ी के ड्राइवर सहित दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने एस्बेस्टस के बीच बने तहखाने से 50 कार्टन शराब, जो कि करीब 500 लीटर थी, उसे पिकअप वैन सहित जब्त कर लिया। वहीं इस बाबत SDPO अजय नारायण यादव ने बताया कि यह शराब की खेप सिक्किम स्टेट से बिहार लाई जा रही थी, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है, जिसमें सफलता मिली है। वहीं शराब कारोबारियों की इस नई तकनीक की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। सर, बड़ी मात्रा में शराब पकड़ा गया, क्या इसके बारे में पता लगता है? देखिए, मधेपुरा पुलिस के द्वारा शराबियों के विरुद्ध और शराब के धंधेबाजों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। इसी क्रम में मद निषेध इकाई बिहार के द्वारा हम लोग को कुछ गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी, और इस सूचना के आलोक में SHO सदर के नेतृत्व में टीम का भी गठन किया गया था, और इस टीम ने अच्छा कार्य किया। बहुत सफल तरीके से घेराबंदी की गई, तो मठाई के पास एक पिकअप वैन को संदिग्ध स्थिति में रोक कर पकड़ा गया। प्रथम दृष्टिया तो देखने से पिकअप वैन को लगता है कि इसमें कैमोफ्लाई करने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके का यूज किया गया है। इसमें एस्बेस्टस को बीच में काट कर और उसके बॉक्स नुमा पार्ट में शराब को छिपाया गया था, जिसमें कुल 54 कार्टून शराब बरामद की गई है, जिसकी मात्रा लगभग 446 लीटर। ये शराब मेड इन सिक्किम है, जो रॉयल कैसल कंपनी की शराब है। इसमें दो व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है, और इसका बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज भी हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है। शीघ्र ही इसमें जो शेष कार्रवाई है वो अनुसंधान पूरा कर अन्य अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। कहाँ से शराब आ रहा था, कहाँ डिलीवरी? ये शराब जो है ये सिक्किम से आ रहा था, और ये बोकारो होते हुए आई है, ये जो पूछताछ के क्रम में प्रारंभिक रूप से पता चला है, और इसमें हम लोग और भी अनुसंधान कर रहे हैं।